अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है और हम बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। बेंजीन का फार्मूला C6H6 है। लास्ट टाइम हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर पढ़ा कैक्यूल स्ट्रक्चर और उसे कुछ एविडेंस पढ़े थे। आज हम उसी ही टॉपिक को आगे मूव करेंगे और उसे मजीद प्रूफ करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल ही होता है। जो कैक्यूल ने स्ट्रक्चर ड्रा किया था वही स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में मॉडर्न कॉन्सेप्ट के जरिए हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेटा मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम दो थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। जो आज हमने पढ़ना होगा वो पढ़ना है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है। इस स्ट्रक्चर को हमने प्रूव करना होगा हाइब्रिडाइजेशन के जरिए, एटॉमिक ऑर्बिटल के जरिए हम इसे प्रूफ भी दिखाना होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, अब इसके मुताबिक क्या होगा हमारे पास बेटा, जो एक्सरे एनालिसिस किया गया ना बेंजीन का, तो उसे मालूम होता है कि जो बेंजीन है वो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ही रखता है, जिसमें क्या होता है एक कार्बन दूसरे कार्बन के दरमियान जो लेंथ होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ वो होता है, डिस्टेंस होगा 1.397 एंगस्ट्रम, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन इनका डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कितनी होगी 1.09 एंगस्ट्रम होती है, जबकि एक कार्बन दूसरे कार्बन के जो बॉन्ड एंगल होगा और जो बॉन्ड एंगल होगा वो होता है इनके दरमियान में 120। बेटा तीन एमसीक्यूज हो गए, बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ और बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल कितना होता है 120। तो 120 का एंगल बनाए तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ही बनता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन का। तो इसे हमें प्रूफ करना होगा एटॉमिक ऑर्बिटल के जरिए, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के जरिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहां मेंशन करेंगे। तो बेटा यहां पर वो कहता है हमारे पास जो बेंजीन है ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। पहली बात वो करता है कि जो बेंजीन है जिसका फार्मूला होता है C6H6, बेंजीन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन से ये स्ट्रक्चर बनेगा हेक्सागोनल। ये किस तरह पॉसिबल है, तो इसके लिए सबसे पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। बेटा कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होगा तो इनर शेल 1s2 2s2 2s2, वैसे होने हमारे ये बनेगा हमारे पास 2px 2py 2pz। ये आपको मैंने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाया था। मैंने यहां पर इसकी कार्बन की डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट लिखी हुई है, एक्साइटेड स्टेट कार्बन की एक्साइटेड स्टेट होगी जिसमें ये इसका वैलेंस शेल होगा। 2s1 से एक इलेक्ट्रॉन 2s1 से 2pz में आ जाता है, ये अपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था। तो ये इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट बनती है कार्बन की। इस स्टेट में क्या होगा, अब इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp2 का मतलब क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज आपस में इंटरमिक्स होंगे, तो एक s और दो p, तो क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा sp2, ये भी बन जाएगा sp2 और ये भी बन जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएगा, जबकि जो 2pz होगा ये हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं होगा, ये रहेगा अनहाइब्रिडाइज्ड, ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब एक s और दो p ऑर्बिटल बॉन्डिंग के अंदर शामिल होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब बेटा वो कहते हैं कि ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, 6 कार्बन है ना, तो सारे 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज रखते होंगे। बेटा ये sp2 हाइब्रिडाइज किस तरह होंगे, अब इसे समझने के लिए देखिए कि मैं सबसे पहले कार्बन को ड्रा करूं। कार्बन अगर 6 कार्बन है, 6 कार्बन किस तरह बन जाएंगे, कार्बन फर्स्ट कार्बन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड
सिक्स कार्बन, बेटा छह कार्बन है बेंजीन के अंदर, छह कार्बन ड्रा किए हमने, और मैंने ये कहा कि हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो बताएं sp2 जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे तो फिर नए ऑर्बिटल कितने बनेंगे, तीन बनेंगे, एक s, एक px और एक py, तो तीन न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। z को रहने दें, हम से बाद में डिस्कस करेंगे, जो आपस में इंटरमिक्स होंगे तो क्या होगा, तीन न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। जो तीन न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, अगर मैं पहले कार्बन की बात करूं तो क्या होंगे, तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड और यह होगा थर्ड ऑर्बिटल। एक कार्बन हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा, ये भी क्या होगा sp2, ये भी क्या होगा sp2 और ये भी क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, जिसमें से एक s का और दो p वाले होंगे। ये फर्स्ट कार्बन के लिए था, बाकी कार्बन भी ऐसे ही होंगे। अगर मैं दूसरे कार्बन की बात करूं तो उसके भी क्या होंगे, तीन ऑर्बिटल बनेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी ना, तो क्या होगा, तीन होंगे तो तीन किस तरह बनाएंगे, इनमें से एक ऑर्बिटल यहां से ओवरलैप कर जाएगा, दूसरा ऑर्बिटल यह बना देंगे और तीसरा ऑर्बिटल ये बन जाएगा। ये भी क्या होगा, तीन ऑर्बिटल, ये भी क्या होंगे sp2, ये भी क्या होगा sp2, ये भी होगा sp2 और ये भी होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इससे अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसके भी तीन ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड होगी, तो क्या बन जाएगा, तीन ऑर्बिटल बनाएगा, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल एंड थर्ड ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल होंगे। तो ये भी क्या होंगे sp2, ये भी होगा sp2 और ये भी होगा sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इस आगे विजिट फोकस करें, अगर हम इस तरह से कार्बन की बात करें, ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये ऑर्बिटल आपस में मिल जाएगा, एक ऑर्बिटल बनेगा इसका लोअर पर, एक बनाएंगे यहां पर, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। इसे नेक्स्ट बनाते हैं, इसे अगर हम नेक्स्ट की बात करें, इस कार्बन भी sp3 होगा, जिसमें क्या हो जाएगा sp2 और ये तीसरा ऑर्बिटल बन जाएगा। लास्ट कार्बन है, इस कार्बन का भी ऐसे ही होगा sp2, अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किस तरह बने बेटा, यहां पर देखो ये कार्बन में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड और थर्ड ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल, ये स्ट्रक्चर बनेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। इन सब के अंदर अगर आप फोकस करें तो क्या हो रहा है, इन सब के अंदर इनके दो दो ऑर्बिटल्स तो यूज हो गए कार्बन कार्बन के दरमियान में, लेकिन देखो सबके साथ एक एक ऑर्बिटल अभी बचा हुआ है, एक एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा हुआ है, और यहां पर क्या अटैच होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1s1, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, तो एक हाइड्रोजन यहां से अटैक करेगा, यहां पर हाइड्रोजन से बॉन्ड बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से बनेगा, ये होगा sp2 हाइड्रोजन, कौन सा होगा s ऑर्बिटल होगा, एक हाइड्रोजन यहां से अटैक कर देगा, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर अटैक करेंगे और एक हाइड्रोजन यहां, तो काउंट करें छह हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, तो यहां देखें कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होगा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। अब sp2 करने के बाद इसमें अगर मैं आप गौर करें तो इसमें मैंने क्या किया है, हर कार्बन, इस कार्बन की बात करें, एक कार्बन को देखने सबका स्ट्रक्चर सेम होता है, एक कार्बन इसके तीन ऑर्बिटल थे sp2, ये भी था sp2, ये भी sp2, ये तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसने कहां इस्तेमाल किए बेटा, तीन ऑर्बिटल में से इसने दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल है वो कहां इस्तेमाल कर लिए, दो कार्बन के साथ, ये भी sp2 था दूसरे कार्बन से जुड़ गया, ये भी sp2 था दूसरे कार्बन से, जबकि ये वाला sp2 जो है वो हाइड्रोजन से। तीन ऑर्बिटल होते हैं ना sp2 हाइब्रिडाइज, जिसमें से दो मजीद दो कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे जबकि एक हाइड्रोजन से जुड़ेगा, सबकी सिचुएशन सेम होगी। इसे देख ले, अगर हम इसे देखें, ये भी ऐसे ही होगा, इसके दो ऑर्बिटल एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ ओवरलैप कर गया, जबकि तीसरा हाइड्रोजन के एस के साथ ओवरलैप कर जाएगा।
मतलब क्या होगा, जब कार्बन कार्बन करेगा तो बन जाएगा ओवरलैप sp2, sp2 ओवरलैप होगा, एक कार्बन का sp2 दूसरे कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप कर जाता है। यहां से भी ऐसा हुआ, एक कार्बन का sp2 दूसरे कार्बन के sp2 से ओवरलैप कर गया, तो sp2 ओवरलैप होगा जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलेगा। लेकिन जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा फिर क्या होगा, फिर होगा कार्बन वाला होगा sp2 और हाइड्रोजन का कौन सा होता है, ऑर्बिटल होता है s, sp2 s ओवरलैप। ये क्या होगा, कार्बन का होगा sp2 जबकि हाइड्रोजन का होगा s ऑर्बिटल, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैप होगा जबकि sp2 sp ओवरलैप होगा, ये हाइड्रोजन के लिए होगा। तो ये बेटा मेन स्ट्रक्चर पहले आप ये ड्रा करोगे, मेन स्ट्रक्चर आपको ये ड्रा करना चाहिए। इस स्ट्रक्चर के बाद जब ये सारे बॉन्ड बन जाएंगे, हर जगह पर CH को शो कर रहा है, तो इसे अगर मैं सिंपलीफिकेशन सिंपली ड्रा करूं तो बेटा स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगा। तो अगर हम सिंपली ड्रा करें तो स्ट्रक्चर हमारे पास ये भी बन सकता है, 6 कॉर्नर बन गए ना, ये देखिए 6 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर है, तो 2 4 एंड 6 कॉर्नर बन गए। ये हर कॉर्नर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और हर कॉर्नर के ऊपर CH मौजूद है। अब क्या बात करते हैं 2pz ऑर्बिटल की, 2pz ऑर्बिटल, ये सबने तो सिग्मा बॉन्ड बना दिया, अब क्या होगा 2pz ऑर्बिटल, हर कार्बन के पास 2pz ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड रहा है, जो बॉन्डिंग में शामिल नहीं था। इस कार्बन की बात करूं तो इसके पास भी 2pz ऑर्बिटल होगा जो बॉन्डिंग में शामिल नहीं होगा, तो इसे sh वैसे का वैसा बनाना पड़ेगा। ये कौन सा होगा, 2pz ऑर्बिटल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, अनहाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन के पास भी होगा, 6 कार्बन है ना, सबके पास होगा एक एक 2pz ऑर्बिटल जो क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। ये बन जाएगा, इसे यहां भी ड्रा कर देंगे और यहां से भी क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे। इन सब की सबके साथ 2pz ऑर्बिटल है और सबके पास क्या है, वन इलेक्ट्रॉन, इन सबके पास बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसे बनाने के बाद नेक्स्ट में 2pz, जो 2pz ऑर्बिटल है ये s2pz ऑर्बिटल ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या करेंगे, आपस में ही ओवरलैप करेंगे, पैरेलल ओवरलैप होगा। जब इनका पैरेलल ओवरलैप होगा तो ये क्या कर देंगे, रिजल्टेंटली जो इनका क्लाउड होगा ये बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, ये हमारे पास इसका सिंपली ये स्ट्रक्चर था, ये आपस में ही ओवरलैप करेंगे, पैरेलल ओवरलैप। जब पैरेलल ओवरलैप करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर ही बन जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर ही बनेगा और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नीचे भी बनेगा, पाई बॉन्ड बन जाएंगे और ये पाई बॉन्ड बना देंगे बेटा। ये पैरेलल ओवरलैप हो रहा है, ये देखो 2pz है, ये भी 2pz है, 2pz ऑर्बिटल, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरेलल ओवरलैप करते हैं। पैरेलल ओवरलैप किस तरह होगा, ये एक होगा दूसरा, ये ओवरलैप कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर ही बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नीचे ही बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स है और इनके मिलने से बॉन्ड कौन सा बनता है, पाई बॉन्ड, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन, तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बनेगा और रिजल्टेंटली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दोनों तरफ होगा। और हम बेंजीन का स्ट्रक्चर किसी तरह ड्रा कर लेते हैं, बेंजीन का हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो लास्ट में हम कहते हैं बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर बना देंगे बेंजीन का, क्या हो गए ये तब दो मिलेंगे, इन दो के मिलने से एक पाई बॉन्ड, इन दो के मिलने से नीचे वाले दो मिलने से दूसरा पाई बॉन्ड, ये अल्टरनेट पोजीशन बनाएंगे, पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड यहां बन जाएगा। और ये पाई बॉन्ड जो डीलोकलाइज्ड होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। अब ये पाई बॉन्ड मैंने इस पोजिशन बनाया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जहां पर सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड वहां भी हो सकता है, फिर ये पोजीशन खाली हो जाएगी। तो यहां पर जो पाई बॉन्ड बनेगा वो एक्चुअली क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है, डीलोकलाइज्ड मूव करता रहता है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड मूव करता रहेगा। तो ये इसका ऑप्शन होगा कि स्ट्रक्चर किस तरह प्रिपेयर होगा, इसके लिए हम प्रूफ कर सकते हैं कि वाकई बेंजीन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के लिए बेटा आपको सबसे मेन ये स्केच आना चाहिए, इसे प्रैक्टिस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अल्लाह।